तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत तेजी के साथ और बहुत ही हेल्दी वे के अंदर वेट कैसे कम कर सकते हैं। रात का खाना आपने मगरिब तक खा लेना है लाजमी, जो वेट कम करना चाहते हैं। 10 केजी तो चुटकियों की बात है। किस एज के लिए ये बेहतर है, कौन सी एज से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंग गिल और आप देख रहे हैं डिजिटल क्लिनिक। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी क्लिनिक में जहां पर आपको तमाम वो चीज़ें मिल सकती हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं डॉक्टर उमर राहिल की क्लिनिक में, जो कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। उनको वेलकम करते हैं अपने शो में और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप 10 किलो वज़न जल्द से जल्द कैसे कम कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर उमर राहिल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं और मर्द भी हैं जो चाहते हैं कि उनका झटपट वज़न कम हो जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह से वज़न कम कर सकते हैं और कितनी ड्यूरेशन में कर सकते हैं ताकि हेल्दी भी रहें और वज़न भी कम हो? अच्छा देखिए, अब ये है कि औरतें, मर्द के साथ अब बच्चे भी शामिल हो गए, सभी वज़न कम करना चाहते हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि 3 to 4 months का टाइम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मतलब वक्त होता है या टाइमिंग्स होते हैं या इशूज़ होते हैं या कोई इवेंट आ रहा है, हम कहते हैं जल्दी से हमारा वेट कम हो जाए और वो भी हेल्दी वे के अंदर, ताकि हमारे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हम एकदम से वेट गिराएंगे तो स्किन लूज़ हो जाती है, बाल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन मुरझा जाती है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही हेल्दी वे के अंदर वेट कैसे कम कर सकते हैं। 10 केजी तो चुटकियों की बात है। चुटकियों में तो ये वो चीजें सारी जो घर में अवेलेबल होती हैं कि रेमेडी बनाने वाले, बिल्कुल वही चीजें बताऊंगी जिसका कोई, देखिए इस पर जो चीजें राहिल में इस्तेमाल कर रही हूँ वो चीजें जिनका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे, लेकिन उनसे फायदा उठाने के लिए भी उनकी मिकदार का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना हम डिफरेंट हर्ब्स या डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज नहीं है। मैं आपको पहले बताती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 लीटर पानी के अंदर, ये 1 लीटर पानी है, बार बार इसलिए बता रहे कि वो एक ग्लास में ना डालें सारा, वो एक ही दिन में वेट गिर जाएगा लेकिन नुकसान बहुत होगा। तो उसमें आपने 1 इंच का टुकड़ा डालना है दालचीनी का। दालचीनी वज़न कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है और एंटी आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी हटाती है, रिमूव करती है, तो आपका बड़े हेल्दी वे में आपका वेट कम होता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास मेथी दाना। मेथी दाना जो है आपका जो है ना शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल को बैलेंस करता है और आपका वज़न घटाने में इंतहाई मावन साबित होता है। इसकी मिकदार जो 1 लीटर में हम डालेंगे, ये डालेंगे हम सर्दियां हैं तो 1/2 teaspoon और गर्मियां हैं तो 1/4 teaspoon। इसकी मिकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हम मेथी दाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है, लिहाजा इसकी मिकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1 लीटर है तो आपने जो है इसके अंदर सर्दियों में तकरीबन 1/2 teaspoon और गर्मियों में जो है 1/4 teaspoon इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अदरक। अदरक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अदरक जो है बादी नहीं होने देती है, अदरक हमारा निज़ाम हाजमा जो है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको बेहतर करती है। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन इतना बड़े, तकरीबन 2 टुकड़े हम डालेंगे, और ये भी आप सोच लें कि हम 1 लीटर में डाल रहे हैं, वरना 1 कप के लिए जो 1 इंच का टुकड़ा बहुत होता है। अच्छा, छिलके के साथ हमने सिर्फ वॉश किया है, इसके 2 पीस करके या 3 स्लाइसेस करके आपने पूरे पानी के अंदर डाल देना है, और इसके बाद जो है हम इसके अंदर एक लेमन छिलके के साथ, सिर्फ आपने बीज हटा देना है, इसका लेमन हम डाल देंगे। लेमन जो है फैट कटर का काम करता है, और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो हमने अदरक इस्तेमाल की, अदरक के अंदर बहुत सारे जो फ़ायदे हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि ये जो आपका जो फैट जो बॉडी बनाती है उसका रिस्क जो है 27% एक ही दफ़ा में कम कर देते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो फैट बनने की मिकदार होती है, रफ्तार होती है, उसको 27% रिड्यूस कर देता है। तो ये 4 चीज़ें हमने डालनी है और इसको हमने रख देना पूरी रात के लिए। अब ये पानी जो 1 लीटर पानी है ये 1 दफ़ा में नहीं पिया जाएगा, इसको पूरे दिन में ख़त्म करना है। कि आप थोड़ा थोड़ा करके, जो सुबह निहार मुँह आपने आधा ग्लास पी लिया है, फिर आपने खाने के साथ आधा ग्लास पी लिया है, शाम को पी लिया है, रात खाने के साथ पी लिया, लेकिन वक्तन फवक्तन ये पानी आपने चाहे तो 4 हिस्सों में 1 गिलास करके पी लीजिए, चाहे तो 8 हिस्सों में पी लें, लेकिन ये पानी आपने रूम टेम्परेचर में रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत से लोग होते हैं कि टेस्ट के लिए चाहे तो आप शहद मिला सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है कि अगर आप पूरा दिन पानी पी रहे हैं तो अगर आपको है कि आपको थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये 4 चीज़ें डाल के ये पानी तैयार कर लिया और ये रात को आपने रखा है, और पूरा दिन ये पानी आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा,
ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं है कि जो रातों रात आपका वज़न कम कर देगी। सिंपल आपने करना क्या है कि इसके साथ खाना थोड़ा सा कंट्रोल करना है, रात का खाना आपने मगरिब तक खा लेना है लाजमी जो वेट कम करना चाहते हैं, और नींबू या अपना अदरक, ये दोनों का जो काम वही है कि आपका फैट को है उसको कट करता है, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपका मास भी लूज़ नहीं होता एंड आपका फैट जो है वो तेज़ी से ख़त्म होकर आपकी बॉडी को फिट रखता है। अच्छा, ये तो हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको पूरी रात से मतलब 12 घंटे 10 घंटे 6 घंटे देखिए गर्म पानी हमने रात को डाली कम से कम भी 8-10 घंटे रखा रहे ताकि तमाम चीज़ें जो इन्फ्यूज़ हो जाएंगी, जैसे हम डिटॉक्स वाटर बना रहे होते हैं, लेकिन ये आपको रात भर रखा रहे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा बनस्बत आप फ्रेश बना के इस्तेमाल करना शुरू करें। और जब आप पीना शुरू करेंगे तो इसमें से तमाम चीज़ें निकालेंगे नहीं। दूसरी चीज़ एक और बताऊँ, अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो वो पानी जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, तो आप इसे मज़ीद और पानी भी ऐड कर सकते हैं, वो पूरा दिन ये पानी तैयार। ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल और है यहाँ पर कि ये लड़कियाँ लड़के यानी कि एज वाइज और आजकल टीनेज में भी बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो भी चाह रहे हैं कि भाई हम थोड़े पतले हो जाएं क्योंकि इतना जंक फूड खा लिए, तो किस एज के लिए ये बेहतर है, कौन सी एज से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एज तक? अच्छा, इस पानी की खास बात यह है कि 13-14 ईयर से भी आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बच्चों को नीड किसी भी तरह की नहीं होती, टॉक्सिन्स भी नहीं होते, बट ये हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ है, इसमें मेल फीमेल मतलब कोई इशू नहीं है, तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मैं उसे कहूँगी कि पहले 3 महीने जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ उनको रिएक्ट कर जाए, वैसे सेफ है बट ना करें तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब जाने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो पानी है ये तो हमने पी लिया, खाने की मिकदार को कम करना है या उतना ही खाएं? अच्छा देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो कोई इशू नहीं, आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं लेकिन हल्की फुल्की वॉक रखें, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है ओबेज है तो उसको ऑब्वियसली जो है आपका डिपॉजिट है उसको निकालना भी तो है, तो आपको थोड़ा सा खाना कंट्रोल करना है। डाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फाके पे आ जाए, बिल्कुल खाइए, पोर्शंस में खाइए, अपने कार्ब्स को लिमिटेड कर दें, शुगर का इंटेक कम कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि रात का खाना आपने मगरिब या तकरीबन 7-7:30 तक आपने रात का खाना खा लेना है, और हल्की फुल्की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी हमेशा गर्म इस्तेमाल कीजिए, कुछ चीज़ों की एहतियात कर लेंगे तो आप देखेंगे कितना चुटकियों में बैठ जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी यूज़फुल टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी और बहुत सारे जो लोग मोटे हैं वो अपना वज़न इस नुस्खे के ज़रिए कम करेंगे। जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हम डॉक्टर उमर राहिल से और किन मौजू पर बात करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।